आदरणीय गुरुजी सादर चरण स्पर्श, प्रातःकाल संजीवनी क्रिया करने के बाद कार्यालय या दुकान पर संजीवनी क्रिया के चारों चरणों में से कौन सा एक चरण किया जा सकता है अगर समय सीमित है तो? जब सो के उठते हैं कोशिश करें सो के उठने के बाद यथाशीघ्र जितना जल्दी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 24 घंटे में जब भी आपको फुर्सत का समय मिलता है, आप कार्यालय में हैं कहीं हैं, 10 मिनट का समय मिलता है, 10 मिनट के लिए बैठ जाए। 10 मिनट बहुत है, उसको मामूली मत समझें। 10 मिनट में भी अगर एक बार भी आपको झलक मिल गई विचार शून्यता की, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए भी वो झलक मिली नहीं कि आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप ध्यान करो, अपने आप होना लगेगा, वो अपने आप करा लेगा। 10 मिनट के लिए बैठ जाओ और साइंस डिवाइन मेडिटेशन अंतिम चरण, आँख बंद कर लीजिए, बंद आँखों से हृदय केंद्र को देखते रहिए। ये चाहे जितनी बार कर लीजिए, जब भी आपको मौका मिले, कार्यालय में करना चाहते हैं कार्यालय में कर लें, ट्रेन पे करना चाहते हैं ट्रेन पे कर लें, बस पे करना चाहते हैं बस में कर लें। और अगर आप संजीवनी क्रिया का अभ्यास करते ही हैं लेकिन इसके अलावा बीच बीच में आपको 24 घंटे में जब भी 10 मिनट का समय मिले, आप एक दूसरी क्रिया भी कर सकते हैं जो बहुत सहयोगी होगी आपकी संजीवनी क्रिया के लिए। आप आँख बंद कर लीजिए और बंद आँखों से नाक के अगले भाग पर दृष्टि ले जाइए, आती हुई श्वास जाती हुई श्वास को देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए 10 मिनट तक। ये भगवान बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण देन है दुनिया को। बुद्ध के सारे शास्त्र खत्म कर दिए जाएं, सारा ज्ञान छोड़ दिया जाए, लेकिन सिर्फ उनकी एक क्रिया विपश्यना, आती हुई श्वास जाती हुई श्वास को देखना, इसका ही अभ्यास कर लिया जाए तो बुद्ध ने जो कुछ कहा है वो सब आपके प्राणों में उतर जाएगा। जब आप श्वास को देखते रहते हैं तो हमेशा वर्तमान में होते हैं, वर्तमान में होना ही ध्यान है। और जब आप वर्तमान में होते हैं तो आनंदित होते हैं। तो विचार शून्यता, वर्तमान में होना, आनंदित होना, ये तीनों पर्यायवाची हैं। और भगवान बुद्ध की इस क्रिया के माध्यम से जो आप कभी भी कर सकते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं पीछे बैठे हैं गाड़ी में, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, सिर्फ 10 मिनट के लिए आँख बंद कर लीजिए, आती श्वास जाती श्वास को देखते रहिए। किसी किसी का मन आती हुई श्वास जाती हुई श्वास को देखने में बहुत लग जाता है। तो यह अनुभव जब आप संजीवनी क्रिया करेंगे, हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसमें भी बहुत सहयोगी होगा। तो ये दो चीज़ें एक साथ करें तो बहुत अच्छा होगा, अभ्यास करें। छोटी छोटी चीज़, ऐसी चीज़ें कहता हूँ जिनको आप व्यवहारिक तल पर बड़ी आसानी से सरलता से कर सकते हैं अगर थोड़ा होश बना रहे। और होश बनाए रखने के लिए इतना जरूरी है, मेरे से संपर्क जोड़े रहो, मेरे से संपर्क बनाए रहो। मेरा हंसता हुआ चेहरा याद आएगा तो जो जो कुछ मैंने बोला है सब आपके भीतर जीवंत हो उठेगा। ये चिंगारी का काम करेगा, चिंगारी जैसे विस्फोट करती है करेगी।